हेलो गाइस मैं हूँ जक्सल मेहता और मैं बहुत अच्छी हूँ ऐसा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे तो आज मेरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है मतलब सुबह से आज चेक क्योंकि आज आप लोगों को पता होगा जैसे महाशिवरात्रि है तो आज बहुत लोग फास्ट भी रखते हैं मैं भी रखती थी शादी से पहले लेकिन अब नहीं रखती क्योंकि बेबी हो गई है तो जिसकी वजह से मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती बहुत भूख लगती है इस वजह से मैं व्रत नहीं रखती फास्टिंग नहीं रखती तो कुछ दिनों बाद रखूँगी जब मेरी बेबी बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी तो मैं फास्ट रखने लगूँगी फिर से मेरे हस्बैंड भी रखते थे पहले लेकिन अब वो भी नहीं रखते पता नहीं क्यों <laughs> तो मैं लग गई थी अपने काम में मुझे पूजा करने भी जाना था मेरी बगल में मेरे बगल में एक आंटी है पड़ोस में तो उन्होंने कहा कि चलो आज पूजा करने चलते हैं वो कलश उठाने वाली थी आज उनके घर में लोग फास्ट भी थे तो वो हमने इनवाइट की थी कि चलो मेरे साथ मंदिर चल लेना तो मैं भी बोली कि ठीक है मैं मंदिर चल लेती हूँ साथ में मुझे वैसे भी जाना था मंदिर में पूजा करने के लिए लेकिन मुझे मतलब पूजा में उतना इंटरेस्ट नहीं मतलब मैं पूजा करती नहीं मुझे प, पसंद है पूजा करना लेकिन मैं करती नहीं और मुझे उतना ज्ञान भी नहीं पूजा के बारे में कि कैसे करते हैं और जब तक मेरा मानना है कि जब तक कोई चीज अच्छे से ना पता हो ना उसे ना ही करे तो सही है गलत नहीं करना चाहिए कोई भी चीज तो मैं लग गई फटाफट -पट से झाड़ू लगाने में पोछा लगाने मतलब घर की सफाई करने में और घर की सफाई करने में इतनी मेहनत लगती है क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना पूरे घर को कबाड़ बना के रख देते हैं मतलब इतना सामान फैला देते हैं कुछ कहने को नहीं सारे घर में खिलौने कुछ ना कुछ सामान अस्त का व्यस्त कर देते हैं पूरा इधर का उधर सारे सामान मतलब बिखेर देते हैं यार उसको फिर समेटना ना औरतों के जिम में मतलब बहुत बड़ी काम हो जाती है ये दिन भर ऐसा लगता है कि मैं कितना भी घर को मैनेज कर लूँ घर मैनेज ही नहीं होता दिन भर लग जाता है पूरा इधर से उधर सब सामान मैनेज करने में तो फटाफट से मैं झाड़ू पोछा करने के बाद मैं चली गई खाना बनाने तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं खाना बनाऊंगा उनका छुट्टी था आज के दिन ऑफिस नहीं था आज शिवरात्रि की छुट्टी थी तो कहे कि मैं ही खाना बनाऊंगा तो अब मैं बनाने वाली थी पनीर मैं वैसे शाम में ही बनाने वाली थी पिछली शाम को ही लेकिन मुझसे नहीं हो पाया मतलब मेरे हसबैंड कहे कि नहीं शाम को नहीं खाएंगे पनीर सुबह बनाते हैं तो वो सुबह लग गए अपना पनीर बनाने में बोले सब्जी मैं बनाऊंगा चावल रोटी तुम बना लेना तो वो पनीर की सब्जी बना रहे थे तब तक मैं आसपास जितने बर्तन वो किचन में ही काम करने लगते हैं ना तो इतने बर्तन कर देते हैं थोड़े थोड़े बर्तन सब फैला देंगे इधर से उधर मसाले पीसने वाले जार होते हैं फिर जिसमें सब्जी रखेंगे काट के वो मतलब सब एकदम फैला देते हैं पूरा किचन गंदा हो जाता है वो पता नहीं कैसे बनाते हैं हस्बैंड लोग खाना ना कि पूरा किचन बिखेर के रख देते हैं एकदम सब्जी बनाएंगे तो वो पूरे इतने छीटे पड़ जाएंगे आस पास गैस स्टोव पे सलाब पे टाइल्स पे दीवारों पर मतलब बहुत ही गंदा कर देते हैं इसलिए ये होता है कि इससे अच्छा तो भगवान ना ही बनाए ये खाना <laughs> इनका बहुत कम मन करता है कि चलो खाना बनाते हैं फिर ये सब्जी बनाने के बाद बोलने लगे मुझसे कि टेस्ट करके बताओ कैसा है तो मैं टेस्ट की मुझे अच्छा लगा ये नॉर्मली बोले थे कि मैं शाही पनीर बनाऊंगा और फिर ये भूल गए भूल के इसे मटर पनीर बना बना दिया इन्होंने और मसाले भी वही डाल दिए उससे मांग रहे थे मसाले के मसाले दे दो मुझे डालने हैं किसाई पनीर वाले मसाले दे दो फटाक से मैं उसे डाल दूँ मैं बोल के देना और वो तब तक, तक बोल के वो खुद ही दूसरे दूसरे मसाले डाल दिए पूरे मसाले मटर पनीर वाले तो टेस्ट भी वही हो गया ओबियसली अगर मसाले मटर पनीर वाले डालेंगे तो टेस्ट भी वही आएगा तो फिर मैं लग गई आटा गूंथने में वो कहे कि पहले बर्तन धुल लो सारे जितने गंदे हो रखे तो मैं फटाफट से वो बर्तन भी धुलने लगे आटा लगा के मैंने ढक दिया थोड़ी देर आटा लगा के ढक देने पे ना थोड़ा सा आटा जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है दस पंद्रह मिनट पहले अगर आटा लगा दिया हमने तो तो अच्छा हो जाता है उसकी रोटियाँ अच्छी बनती है नरम बनती है थोड़ी सी तुरंत आटा लगा के रोटी बनाने पे ना थोड़ा अच्छा नहीं बनता या फिर उसे थोड़ी देर तक मारना पड़ता है जिसे मेरे भाषा में बोलते हैं जो भी है आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता <laughs> तो कमेंट करके बता देना तो मैं आटा लगा के उसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ नॉर्मली वो अच्छा हो जाता है उसकी रोटियाँ भी मुलायम बनने लगती हैं तो फिर मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि मेरी भी सब्जी बनने वाली है तुम जल्दी जल्दी कर लो चावल भी रख दे रख दो ये गैस पे जल्दी से तो मैंने कहा कि हाँ पहले आटा तो लगा लूँ आटा लगाने के बाद फिर मैं चली गई बिटिया रानी को देखने कि वो क्या कर रही है वो मखाने का पूरा डब्बा ही लेके बैठी हुई थी खा रही थी और अपना कार्टून देख रही थी नॉर्मली वो ज़्यादा कार्टून देख देखती नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जब हमें काम होता है तो दस पंद्रह मिनट के लिए वो देख लेती है कार्टून उसकी आदत लग गई थी वो पहले बहुत कार्टून देखती थी लेकिन फिर मैंने उसका आदत छुड़ा दिया धीरे धीरे क्योंकि सुनने में आ रहा बहुत बीमारियां निकल रही हैं बच्चे कार्टून देखते हैं मोबाइल से और उसकी वजह <laughs> से उन्हें बीमारियां भी पकड़ लेती हैं बहुत ज़्यादा और मुझे रिकॉर्ड करते समय ना मतलब मैं आवाज़ रिकॉर्ड करने लगती हूँ मेरी बिटिया इतना अल्लाह करती है कुछ कहने को नहीं मैं तो इरीटेट हो जाती हूँ <laughs> तो फिर चाय भी बने हुए थे शाम को तो चाय का बर्तन वैसे ही रखा हुआ था तो वो बोले कि धुल्लो बर्तन नहीं रखते सिंक में वैसे गंदे तो मैं लगी थी बर्तन को धुल दे तब तक मेरे हस्बैंड की सब्जी भी बन के तैयार हो गई चुकी थी बस वो लास्ट में पनीर में ला के अपना सब्जी बंद ही करने वाले थे उन्होंने वो पहन रखा था <laughs> जो कुकिंग करते थे तो मैं पहनते हैं बोल रहे है, मेरे कपड़ों पे बहुत छीटे पड़ जा रहे हैं इस वजह से मैं पहन ले रहा हूँ नहीं तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे फिर तुम्हें ही धुलने पड़ेंगे मेहनत करके <laughs> तो मैं लगे लग फिर चावल बैठाने चावल भी धो के डालने लगे कुकर में बैठा दिया मैंने चावल फटाफट से चावल बैठा के फिर मैं ग्रंथ ही रोटी बनाने लग गई कि जब मतलब जब तक रोटी बनेंगे तब लास्ट में चावल खाते हैं लोग जब तक रोटी खाएंगे उसके बाद तब तक चावल भी हो जाएगा तो मैं उस, उस हिसाब से अपना रोटी भी बनाने लग गई सेकने लग गई फिर ये हुआ मेरे हस्बैंड बोले कि मैं अभी नहीं खाना खाना पहले तुम नहा कि चली जाओ पूजा करने अपना आराम से लास्ट में मैं खाऊंगा तो फिर ये हुआ कि अब तो ठंडे हो जाएंगे खाना फिर कोई बात नहीं मैं उन्हें फिर से दोबारा गर्म करके दे दूंगी लेकिन रोटी तो नहीं गर्म कर सकते ना चावल को तो नॉर्मली माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं थोड़ी देर ऐसे बॉयल बाउल पे निकाल कर रख देने पर माइक्रोवेव में भी चावल अच्छे नरम हो जाते मतलब गर्म हो जाते हैं बढ़िया उसको ऐसा नहीं लगता कि वो अलग से गर्म किया हुआ है वैसे स्टोव तो, गैस स्टोव तो पे गर्म करने पे वो थोड़ी खराब हो जाते हैं तो मैं लग गई थी रोटियां बनाने में रोटियां बनाते वक्त ना मतलब बहुत लोग रोटियाँ होती तो उस गैस पर फुलाते हैं मैं भी फुलाती थी पहले गैस पर रोटियों को लेकिन अब ये निकल के आया है बाहर की गैस पे नॉर्मली रोटी फुलाने पे ना कैंसर की बीमारी वो आ रही पता नहीं क्या नए नए चीज़ें निकलती रहती हैं जो भी है तो मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं अब गैस पे नहीं फुलाया करो डायरेक्ट तुम हाथ से ही फुला लिया करो तवे पे रोटियों रोटियाँ को तो मैं फिर सोची कि अच्छा ठीक है मुझे वैसे तवे पर भी रोटी फुलाने आती है बहुत अच्छी फुल जाती हूँ मेरे से रोटी तो मैं फटाफट से रोटी वोटी बना लेंगी तब तक मेरी बिटिया भी खेल रही थी अपने पापा के साथ वो फ़ोन देख रही थी लेकिन फिर फोन उसके पापा ने ले लिया कहा कि बहुत देख ली फ़ोन दस मिनट से पंद्रह मिनट देखती उसके बाद उसके पापा उसे फ़ोन छीन लेते हैं बोलते नहीं तुम्हें नहीं देखना फोन तुम बहुत देर देख ली ये तो आदत लग जाएगी ना बच्चों को फोन की आदत लग जाती है वो तो बहुत मुश्किल से छूटता है बहुत बच्चे रोने लगते हैं जिद पकड़ लेते हैं नहीं मुझे फ़ोन चाहिए ही तो फिर वो उसे खिलाने लग खिला रहे थे वो अपना बढ़िया खेलती रहती है बिना फोन के भी मतलब ए बी सी डी बोलती है वन टू भी बोलती है उसे बहुत कुछ आ गया है अभी से ही तो बॉडी पार्ट्स नेम भी उसको लगभग याद हो गए हैं अभी मेरी बेटिया वैसे दो साल की है तो उस लेकिन वो आ, फैमिली में नहीं रही ना इस वजह से वो घर में जाती है मेरे यहाँ ससुराल में जाती है मेरे नहीं घर में जाती है ना तो किसी को नहीं पहचानती अच्छे से किसी से बातें नहीं करती कोई बुलाता बिल्कुल ध्यान नहीं देती क्योंकि वो वहाँ रही नहीं ना तो चलते हैं तो मैंने रोटी बना के देखी तवे पे कितने अच्छे से फुला लिया मेरी मतलब रोटियाँ अच्छी फूल जाती हैं तवे पे ही लेकिन पहले रोटी फुलाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो ना हाथ में लगता है जलता है और सेकेंड रोटी के लिए तो पहली रोटी काफ़ी है ऊपर रख के फटाक से फुला लेते हैं हम लोग तो उसके बाद मैं गई पानी को गर्म पे लगाने क्योंकि मुझे नहाना था और नहा के पूजा करने ज़्यादा तो हैं वैसे तो रोज डेली ही नहाना होता है लेकिन अच्छे से नहाना था पूजा करने जाना था तो बाल भी धुलने थे मुझे तो मैं वैसे पहले ही एक दिन पहले ही मैंने बाल धुला था तो फिर पूजा के लिए भी मैं बाल धुलने चली गई मैं मंदिर तो चली गई लेकिन मेरा फोन घर पे छूट गया जिसकी वजह से मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई और मैं वहाँ से आई तो मेरी बिटिया पूरा प्रसाद मांग रही थी और पूरा ले लिया फिर उसके बाद मेरी बिटिया अपने पापा के साथ लग गई खाना खाने उन्हें परोस भी रही थी रोटियां परोस रही थी जब मैं रिकॉर्ड करने लगी तो वो नौटंकी कण